हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती हैं NM न्यूज़। आज आपको बता दें, आज हमारा टॉपिक है गोला कोतवाली के इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय। उनका निरंतर कहीं ना कहीं कोई बवाल आता रहता है। आज मामला पत्रकारों का भी रहा है, वकीलों का भी रहा, और आपको बता दें किसान अन्न देवता जो होता है उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा, उसको भी 151 पर चालान किया गया। वकील साहब हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे सहयोगी हैं, पत्रकार भी हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। और आज आपको बताया NM न्यूज को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि भाई कोई फरियादी को, महिला को अगर हम लेके जाएंगे और उसका कहेंगे भैया इसका आप समाधान करिए, इसका हल निकालिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं जाइए जाइए जाइए। ये क्या पत्रकारों को कहना इनको शोभा देता है? पत्रकार दिन रात जान की बाजी लगा के न्यूज़ लाता है और उसके बाद इनके इंस्पेक्टरों के द्वारा गलत बात सुनने की मिलेगी, जे हरगिज नहीं होगा गोला कोतवाली में। सर क्या कहना चाहते हैं? विवेक उपाध्याय SHO गोला अपने पूरे जीवन काल में मैंने इतना बदतमीज पुलिस अधिकारी नहीं देखा है। उदाहरण, पहला उदाहरण है टेढ़ीनाथ मंदिर धाम में रुद्राभिषेक करने पहुंचते हैं हमारे गोला के एक बहुत ही मुअज्जिज, जो विधानसभा का नेतृत्व भी कर चुके हैं, परमादरणीय विनय तिवारी जी। आप उस समय मोहम्मदी के कोतवाल होते हैं और आप जाकर के उनका रुद्राभिषेक भंग करते हैं। पूजा का अधिकार ये संविधान में हर व्यक्ति को प्राप्त है और आपने उससे भी उनको वंचित किया। ये आपका पदी कर्तव्यों का दुरुपयोग था। दूसरा, रामलोटन नाम का एक व्यक्ति, उसको जो है बुलावा आता है न्यायालय के द्वारा। न्यायालय होता है द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश। रामलोटन एक हरिजन है, दलित है और मोहम्मदी क्षेत्र का रहने वाला है। आप उस समय मोहम्मदी के कोतवाल होते हैं, आप उसके जो है अभियुक्त से, जो रामलोटन का अभियुक्त है जिसके विरुद्ध रामलोटन ने FIR दर्ज कराई थी और चार्जशीट लगी थी, आपने क्या किया? आपने उस अभियुक्त कुलभूषण शुक्ला उर्फ बब्बू शुक्ला से दुर्भिसंध की कोलिजन किया और एक न्यू कमर पुलिस आरक्षी नवनीत कुमार से आपने उसके बनवाए जाली दस्तखत और आपने भेज दिया न्यायालय में, अग्रसारित कर दिया, सबमिट कर दिया, अपने हस्ताक्षर से भेज दिया, अपनी मोहर लगा के भेज दिया। ये बैड कंडक्ट आपका दूसरा हुआ जालसाजी का, जो आपने की मोहम्मदी कोतवाली थाना क्षेत्र में। अब बात आती है गोला कोतवाली क्षेत्र में अरविंदगिरी विधायक के द्वारा एक तहरीर दर्ज कराई जाती है और वो तहरीर जो है पटेल श्रीकृष्ण वर्मा की घटना से पहले की तहरीर होती है और उसमें FIR भी दर्ज होती है और उसमें जो है केवल चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है, उसमें फाइनल लग जाती है। जब पटेल श्रीकृष्ण वर्मा जी जो हैं वो न्यायालय CGM में जाते हैं और अपनी बात कहते हैं और न्यायालय CGM जो है अरविंद पांडे जी की आख्या से संतुष्ट ना होकर के इनसे जो है दोबारा से जांच आख्या मांगते हैं, तो आप वहाँ मिसगाइड करते हैं और आप ऐसा जो है वहाँ पे शो करते हैं, ऐसा जो है बताने की कोशिश करते हैं कि मानो अरविंद गिरी जी की FIR और पटेल श्रीकृष्ण वर्मा जी की FIR एक ही घटना की हो और एक ही समय की हो, जबकि ऐसा नहीं है। पटेल श्रीकृष्ण वर्मा जी की FIR जो है वो 15 लोगों के खिलाफ है और उसकी घटना है 13 दिसंबर 2021 और उससे काफ़ी अरसा पहले, एक सप्ताह पहले 5 दिसंबर 2021 को ही जो है अरविंद गिरी विधायक जी की FIR दर्ज हो जाती है, उसमें फाइनल भी जाई जाती है। और आप ये शो करना चाहते हैं कि जब मानो वो FIR जो है अरविंद गिरी वाली जो है आज भी चल रही है, आज भी विवेचनाधीन है, जबकि ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि इनका जनता के साथ क्या व्यवहार है। ये अच्छी तरीके से जानना है कि माननीय CGM महोदय जो है उन्होंने एक महीने का समय आपको दिया है कि आप जाइए और सही तथ्यों को हमें बताइए, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो है पटेल श्रीकृष्ण वर्मा, उनके 3 अन्य सहयोगी, इनको जो है आप हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं और जीप में जबरन लाद करके आप थाने ले आते हैं और वहाँ पे आप उनको हवालात में डाल देते हैं। ये अब्यूजिंग ऑफ प्रोसेस आपकी है, होती है, जो आप निवारक कार्यवाही को शक्तियों का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं आप, जब हमें पटेल श्रीकृष्ण वर्मा जो मेरा कक्षीकार था, मेरा क्लाइंट था, मेरा व्यवहारी था, और वो मुझको बुलाता है कि आइए दादा हम आपसे कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, वकील साहब आइए हम आपसे अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, और मैं बड़े शांतिप्रिय ढंग से उनका वीडियो बना रहा होता हूँ, तो आप जो क्या करते हैं, कैमरा ज़रा दिखाइए प्लीज़, ये देखिए मेरा जो है मोबाइल आपने छीना और ये जो है यहाँ से टूटा है और इसको आपने ज़मीन पर डाल दिया, ज़मीन पर आपने फेंका
और ये मेरे मोबाइल के जो कैमरे के लेंस हैं ये बाकायदा ब्रेक आपको दिख रहे हैं। आज ये मेरा मोबाइल हैंग करता है, ये मेरा किसी काम का नहीं रह गया। ये आपका जो है बैड कंडक्ट होता है। आप किसी अधिवक्ता से भी अभद्र व्यवहार करते हैं, आप किसानों से भी अभद्र व्यवहार करते हैं, आप न्यायालय CGM को भी गुमराह करते हैं, आप वहाँ भी जो सही बात नहीं बताते हैं, आप न्यायालय सेकंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी आप जो है मिसगाइड करते हैं, आप वहाँ भी जो है मतलब जो है हर तरीके से जो है उनको मिसगाइड करते हैं, वहाँ जाली दस्तावेज पेश करते हैं, वहाँ पर आप जाली दस्तावेज बनाते हैं और वहाँ पर भेज देते हैं, और आप क्या करते हैं, आपने अपनी कोतवाली को जो है एक कोई पब्लिक प्रीमिसेस नहीं माना है, आपने अपनी कोतवाली को एज लाइक एक कोई जो है किलेबंदी जैसी स्थिति हो कि वहाँ पे आपके बिना की इच्छा के पत्ता भी नहीं सकता, वहाँ पे मीडिया का कोई कर्मचारी जा नहीं सकता है, वहाँ पे जनता फरियादी कोई सही ढंग से बात नहीं कर सकता है, फरियादी अगर आता तो आप उसको मिसबिहेव करते हैं, महिलाएं अगर आती तो आप उनको उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, ये बैड कंडक्ट है आपका। आप जाने कौन से गुरूर में हैं, आप जाने कौन से नशे में हैं, आप जाने कौन सी जो है स्प्रिट में हैं कि आप पब्लिक के साथ सही ढंग से नहीं पेश आते हैं, आप न्यायालय के साथ सही ढंग से नहीं पेश आते हैं। और जबकि पुलिस अधिनियम 1861 में साफ 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 तौर पे लिखा है कि पुलिस का हर अधिकारी जो है हर कर्मचारी वो जनता के प्रति विनम्र होगा और जनता के लिए होगा। ये कहा जाता है कि पुलिस जो है एक मित्र पुलिस है, पुलिस को इतना पोलाइटली होना चाहिए कि ताकि जनता जो है आम जनता वहाँ थाने में आ सके, निडर होकर आ सके और उसको इंसाफ मिल सके, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो सके। लेकिन यहाँ गोला थाने में जब से आप आए हैं तब से गोला थाने का हाल ये है कि वहाँ पे आम जनता जाने से डरती है, और अगर किसी तरीके से वो पहुँच भी जाती है तो आप उसको भगा देते हैं, आप उसके साथ मिसबिहेव कर देते हैं, पीड़ित के साथ आपका दुर्व्यवहार होता है, आपका व्यवहार नरम नहीं होता है, आपका व्यवहार जो है दोस्ताना मित्रवत नहीं होता है, ये आपका जो है बैड कंडक्ट है। और थाना जो है पब्लिक प्रीमिसेस है, थाना किसी का जो है वैयक्तिक स्थल नहीं है, गोपनीय स्थल नहीं है कि जहाँ के थाने के अंदर जो है पीड़ित ना जा सके, पीड़ित का अधिवक्ता ना जा सके। अगर कोई थाने में लाकअप में बंद है, जब हमारे श्रीकृष्ण वर्मा जी और तीन अन्य किसानों को जो है लाकअप में बंद किया गया तो मैंने जो है प्रभारी निरीक्षक से स्वयं कहा कि धारा 50 CRPC संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत मुझको ये अधिकार है, हर बंदी को ये अधिकार है कि वो अपनी अपने अधिवक्ता से अपनी बात कह सके, हर बंदी को ये अधिकार है कि उसके घर में जो है उसके परिजनों को जो है बाकायदा सूचना दी जाए कि आपके जो है व्यक्ति को जो है क्यों बंद किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब श्रीकृष्ण वर्मा जी का चालान जो है वो SDM गोला के अदालत में आता है तो वहाँ पे जो है तहसील गोला में मतलब उनके परिजनों के फोटो लिए जाते हैं, श्रीकृष्ण वर्मा का फोटो लिया, और तब ये खाना पूरी की जाती है कि साहब परिवार वालों को सूचना दी जा रही है, परिवार वालों को भी कुछ कतई मिलने नहीं दिया गया, 24 घंटे लाकअप में रखा गया तीन भोले भाले किसानों को, चार भोले भाले किसानों को, और उनके परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई, ना उनके परिजनों को मिलने दिया गया, और यहाँ तक कि मैं अधिवक्ता मुझको भी जो है मिलने से जो है मना किया गया। ये एक बैड कंडक्ट है प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय का। देखिए अभी आपकी बात हो रही थी, हमारे मीडिया कर्मचारी हैं और वकील भी हैं, और जिस हिसाब से विवेक उपाध्याय गोला कोतवाली जिस हिसाब से संचाल कर रहे हैं, चला रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतने सालों में इतने कोतवाल आए, इतने इंस्पेक्टर साहब आए, लेकिन पत्रकारों से, वकीलों से और यहाँ तक किसान के अन्य देवताओं भी लोग उनसे खुश रहे, जनता भी खुश रही। लेकिन आज मैं खुद कह रहा हूँ जे पत्रकारों को भी गलत बात करना, उनको धुतकारना। तहसील गोला में सेंट्रल बार एसोसिएशन है, वो आपके विरुद्ध हड़ताल पे गई, और जनपद लखीमपुर खीरी में जिला अधिवक्ता संघ है, वो आपके विरुद्ध हड़ताल पे गई। जिला अधिवक्ता संघ का जो है ज्ञापन बाकायदा प्रस्ताव उनका जो है वो पहुंचा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ SDM विनीत उपाध्याय के माध्यम से, और जिला उपाध्याय जिला अधिवक्ता संघ ने जो है अपने जो ज्ञापन है वो पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन जी को भी दिए हैं कि इनको हटाया जाए यहाँ पे और इनको जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। देखिए आज मेरा दिमाग इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं आपको कुछ सच्चाई गोलावासियों को दिखाने, यहाँ पे संतोष त्रिपाठी भी उसी बात पर घायल थे, मैं भी घायल था, और किसान अध्यक्ष जो हैं पटेल जी किशन कुमार वो भी घायल थे। लेकिन आपको बता दूँ सब पत्रकार ऐसा नहीं होता है, आपको मैं फिर बता दूँ इसी न्यूज़ का, मैं कुछ और तरफ का हूँ, मेरा आज इतना माइंड ख़राब हुआ था कि मैं पंखे पर अपनी फांसी भी लगा सकता था और तुम्हारा नाम भी उसमें लिख देता कि तुमने आज मेरे मानसिकता को इतना छिद्र किया, क्योंकि इतने 10 साल 5-6 साल 7 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, सच्चाई का सामना कर रहा हूँ, कई बार मेरे पर घराव हुआ, मैंने नई नई अच्छी अच्छी न्यूज़ दिखाई, जनता को पेश किया, जनता मुझे पसंद कर रही है, और आपका रवैया इस हिसाब से रहा। मैं भोले बाबा से कृपा करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे। मैं नरेंद्र कौती कैमरा मैन सुनो मेरे सिरा के साथ, जय हिंद।